दोस्तों जय माता की। आज का शुभ दिन नवरात्रि का आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरे टीम की तरफ से आप सब परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। मित्रों, माता का जागरण रात में ही होता है, मतलब अंधेरी रात में ही जागरण किया जाता है। कभी आपने सोचा है रात में जागरण माता का इसलिए होता है कि अंधकार मतलब अंधेरा अज्ञानता का अंधेरा हटाकर हम ज्ञान की प्राप्ति करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। कभी माता को देखें, माता किस तरह असुरी शक्तियों का कुचल अपनी डिवाइन शक्तियों को अपने हाथ में रखती है। मित्रों, हर आदमी के अंदर सुर और असुर शक्तियां होती हैं। जब हम यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के साथ सुर मिला के चलते हैं तो हम देवता बन जाते हैं। जब हम उस ब्रह्मांड के साथ सुर नहीं मिलाते हैं तो हम असुर बन जाते हैं। यही चीज आज समझने की है। ये 9 दिन का समय इसी पर आह्वान करने का, समझने का मिला है। माता के जागरण में जो माटी का दिया जलाया जाता है वो ये दर्शाता है कि शरीर माटी का है और दिया ज्ञान का जलाना है। दिया मीन्स मतलब देना। इन 9 दिनों में ये प्रैक्टिस करें कि हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं। देने वाला बनना है और असुरी शक्तियां जैसे जेलसी, हेट्रेट, कंपैरिजन, कंपटीशन, ईगो, इसका फास्ट करना है। और डाइट कौन सी लेनी है? फॉरगिवनेस की, लिसनिंग की, हम्बलनेस की, फ्लो करने की, ये डाइट आपको उपास में लेनी है। इन चीजों को समझें और ब्रह्मांड के साथ सुर मिलाते हुए अपने आप को देवता रूपी बनाने के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। मित्रों, यूनिवर्स के साथ फ्लो करें। यूनिवर्स के साथ फ्लो करने का मतलब ये है, जब आप यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ फ्लो करते हैं तो अपने रिलेशंस में भी आप फ्लो करते हैं, सुर मिलाते हैं। अपने वर्क प्लेस पे अपने एम्प्लॉयज के साथ भी सुर मिलाते हैं तो आपका एक एटीट्यूड सिंपैथेटिक से एम्पैथेटिक बन जाता है। तो आपके अंदर जो वास्तविक शक्ति है, पीस, लव, प्यार, फॉरगिवनेस, जो आपकी अंदरूनी देवताई शक्ति हैं वो जागृत होती हैं, वो असुरी शक्तियाँ का समापन होता है। इन 9 दिनों में ब्रह्मांड के साथ सुर मनाएं, सुर मिलाएं, अपने एम्प्लॉयज के साथ सुर मिलाएं और दिया मतलब देने वाले बने, हेट्रेट जेलसी का उपवास करें और डाइट फॉरगिवनेस और फ्लो करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर बधाई देते हुए मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इन 9 दिनों में आप देवता बन के उभरेंगे, वो अपने हर पल को स्वर्ग में मनाएंगे। धन्यवाद।